आरोपी व्यक्ति वी श्रीनिवास चारी का जन्म पालन पोषण हैदराबाद से हुआ है। उन्होंने 7वीं तक पढ़ाई की है। पहले वह 25 से अधिक संपत्ति अपराधों में शामिल था। वह सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम तक ट्रेनों में समोसा बेचकर अपने परिवार का नेतृत्व करता है। उनकी कमाई उनके परिवार के खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस बीच उन्होंने हैदराबाद और आसपास के इलाकों में मादक पदार्थों यानी गांजा आदि की मांग पर ध्यान दिया, जिस पर उन्होंने आसानी से पैसा कमाने के लिए हैदराबाद और उसके आसपास के इलाकों में जरूरतमंद ग्राहकों को गांजा खरीदने और बेचने की योजना बनाई। इसी क्रम में कुछ दिन पूर्व वह सिद्धू निवासी नरसी पट्टनम एपी नाम के एक व्यक्ति के संपर्क में आया, जो थोक और खुदरा में जरूरतमंद ग्राहकों को गांजा की आपूर्ति करता था। इसके बाद श्रीनिवास चारी ने सिद्धू हिम से कम दर पर गांजा खरीदना शुरू किया और उसे ट्रेन के माध्यम से हैदराबाद लाया जा रहा है और जरूरतमंद ग्राहकों को बेचकर अवैध रूप से आसानी से पैसा कमाया जा रहा है। हाल ही में अप्रैल 2022 के महीने में उन्हें सीआर में गिरफ्तार किया गया। संख्या 100/2022 संतोष नगर के एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 27(8)(c) और 20(b)(2)(a) के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बाद में वह 9/5/2022 को जेल से रिहा हुआ। जेल से छूटने के बाद उसने अपने रवैया नहीं बदला और लगातार गांजे की अवैध रूप से खरीद और बिक्री करता रहा। विश्वसनीय सूचना पर कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन टीम ने चत्रनिका पुलिस हैदराबाद के साथ मिलकर आरोपी व्यक्ति को पकड़ लिया और आरोपी के इशारे पर 8 केजी गांजा जब्त कर लिया। गिरफ्तार आरोपी तथा जब्त गांजा को आगे की जांच के लिए एसएचओ चत्रनिका को सौंपा। हाल के दिनों में हमने देखा है कि कई युवा छात्र गांजे नशीले पदार्थों के आदि हैं, अपराध और अन्य सामाजिक गतिविधियों में लिप्त है। कई परिवार इस खतरे का शिकार हो चुके हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस से युवाओं छात्राओं से यह प्रबल अनुरोध है कि वे नशीले पदार्थों के शिकार न हो और माता पिता से अनुरोध करें कि वो अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखे और पुलिस से संपर्क करे या इस तरह के विरोध को रोकने के लिए पुलिस को सूचना दे। सामाजिक गतिविधियों और नशा मुक्त शहर के लिए प्रयास। यूसुफी लस्सी एंड रेस्टोरेंट शरदराबाद की मशहूर मारूफ यूसुफी लस्सी आपके दिलों को ठंडक और गर्मी में सुकून और राहत के लिए आज ही तशरीफ लाए। साल के 12 महीने दस्तियाब यूसुफी लस्सी एंड रेस्टोरेंट न्यू मल्लेपल्ली नोबल टॉकीज क्रॉस रोड हैदराबाद।